घेवर खाऊंगी। अब घेवर नहीं है। तो गाइस चीनू मेरे से बात करते करते ये देखो सो गई है। वेखिया नहीं मैं तो वेखदा ही रह गया, अग वे प्यार वाली सेकदा ही रह गया। Hey guys, good morning, welcome back to my new vlog। तो guys, मैं जा रही हूँ सैलून। मैंने ये अपना चार्जर ले लिया है क्योंकि मेरे फोन में बैटरी नहीं है। चीनू को मैं आज यहीं छोड़ के जा रही हूँ क्योंकि चीनू अपना पढ़ाई करेगी। चीनू के हैं एग्जाम, चीनू यहाँ पे बैठी हुई है और मैं बस निकल रही हूँ। मैं दो दिन से नहीं गई हूँ क्योंकि मेरे अपने ही घर के कुछ काम थे, तो इसीलिए मैं नहीं जा पाई। और मैंने ये चीनू की जैकेट पहन ली है नई वाली। वैसे मेरे ऊपर अच्छी नहीं लग रही पर इसमें सर्दी नहीं लग रही तो इसलिए मैंने पहन ली। अच्छी तो लग रही है मम्मा। अच्छी लग रही है, मुझे खुद में नहीं लग रहा। मैं पहनती नहीं ना कभी ऐसी। इसमें तो मैं और हेल्दी लग रही हूँ, और ज्यादा मोटी बोलो। इसमें तो मैं मोटी लग रही हूँ। कोई नहीं, सही लग रहे हो। पर ये है कि इसमें ठंड नहीं लग रही। अच्छी है ना, मैंने अच्छी ले ली ना। अच्छी ले ली। और ऐसे फूली फूली है कमर, देखिए। आप जूड़ा बना लो इसमें आज। बनाऊंगी, बाल अभी कंघी नहीं करी है। जूड़ा सही लगेगा इसमें, फिर बना लूंगी मैं। ला जाऊ मैं, ला दे फोन मेरा, लाओ। देखो इसको, देखो साथ चलने को हो रहा है बिल्कुल। जा रही हूँ मैं, चल ठीक है। चलो भाई, अपनी टिगोर खड़ी है चमचमाती हुई, तो चलो चलते हैं। तो गाइज अभी हमने गाड़ी में भरवाई है सीएनजी और यहाँ पर आज बहुत ज्यादा जाम है सीएनजी पे भी। तो अभी हमने भरवा के साइड में गाड़ी लगा ली है क्योंकि अभी हमने जो पेमेंट दी थी तो जो बाकी कैश उनको देना है बचा हुआ वो अभी देने आ रहे हैं। तो उधर पीछे अभी खड़े हुए हैं वो भैया, ढूंढ रहे हैं खुले पैसे। तो हम साइड में आ गए थे कि चलो वहाँ पे जाम ना लगे और ज्यादा, तो हम साइड में आके खड़े हो जाते हैं। तो अभी यहाँ पे वेट कर रहे हैं। तो गाइज अभी हम जाम में फंसे हैं। ये तो डेली का हो गया, डेली जाम मिलता है। कभी भी निकल लो आप, दोपहर में निकल लो, दिन के 1:30 बजे हुए हैं फिर भी देखो कितना जाम है। हमने सोचा था थोड़ा लेट निकलेंगे लेकिन उसके बाद भी जाम मिल गया, तो अब क्या ही कर सकते हैं। वेट करेंगे जाम का भी, कब जाम खुलेगा, कब हम चलेंगे। पीछे अगर दिख रहा हो तो, पीछे नहीं दिख रहा होगा, आगे से दिखाते हैं। जाम में रुके हम, अभी धीरे धीरे चलना स्टार्ट हो गया है। हमारी ये देखिए छोटा बेबी, इसकी कैप देखिए। मैं घर पे आ गई हूँ और चीनू ने मेरे को आते ही ये जैकेट दे दी कि आप अब वो वाली निकालो, ये वाली डालो। तो इसका कलर कैसा लग रहा है? सही लगा मुझे वैसे। चेंज भी हो जाए तो भी कोई दिक्कत नहीं है, ना भी हो तो भी सही है, सही लग रहा है। और बिल्कुल गर्म है और बिल्कुल लाइट वेट, एक पाव भी वजन नहीं है इसमें। एक पाव तो मैंने बहुत ज्यादा बोल दिया, बहुत कम वजन है, बिल्कुल 100 ग्राम। चीनू बोल रही है 100 ग्राम, तो 100 ग्राम होगा। बहुत ही लाइट वेट और अच्छी लग रही है, कम्फर्टेबल और गर्म। तो कैसा लग रहा है ये कलर बता देना, अगर आप बोलोगे अच्छा है तो इसे रख लेंगे वरना कलर चेंज करवाएंगे, ठीक है। तो अभी मैंने चीनू से पूछा है कि क्या खाओगे, तो चीनू मना कर रही है मुझे कुछ नहीं खाना, तो मुझे खाना है पर, तो मैं भी कुछ ना कुछ खाऊंगी, मेरे को भूख लगी है। और चीनू घेवर खाऊंगी, घेवर खाऊंगी। अब घेवर नहीं है, अब घेवर आएगा गर्मियों में। घेवर आपने खिलाया नहीं ना आपकी बार। मतलब चीनू ऐसे पकड़ के ऐसे खिलाना है क्या? आपके बार घर पे आया ही नहीं घेवर। देखो मैंने ना नेल पेंट चेंज कर ली अपनी। नहीं, इग्नोर नहीं कर रही है, दिखाने लगी। इग्नोर, आज मैंने ये चेंज करी है। इग्नोर, ठीक है। इग्नोर। कोई बड़ी चीज है चीनू, घेवर घर में भी बना सकते हैं पर हम घर में नहीं बनाएंगे, हम बना बनाया लाएंगे, ठीक है। क्योंकि घर में बनाने में उसमें लगता है टाइम, और लाएंगे घेवर अच्छा सा, बिना मावे वाला। मावे वाला मुझे तो बिना वाला प्लेन पसंद है, मुझे मावे वाला पसंद है। ठीक है, तेरा 1 किलो पक्का। इतना भी नहीं, इतना मीठा नहीं खाया जाता मेरे से। 10 रुपए का बतेरा बहुत, ठीक है।
तो चीनू को मैं 10 रुपए का घेवर खिलाऊंगी, इसने मेरे को सस्ते में निपटा दिया। जादू मिठा खाने से वो आता है, क्या क्या आता है बताना नहीं आता। अच्छा वो बोलते तो है, उसको क्या बोलते हैं वैसे, हमारे बायटा बोलते हैं उसको। बायटा? हाँ बायटा आ जाता, हाथ पैरों में अकड़न सी हो जाती। बावटा? हाँ बावटा। वो नहीं, अरे ज्यादा खाने से अंदर वो होता है उड़काई जैसा। मुझे नहीं पता तू क्या कहना चाह रही है, अब जो भी होता है फिर भी तेरे को खाना है। थोड़ा सा खाना है तो खाना है, कुछ भी हो जाए फिर। तो गाइस चीनू मेरे से बात करते करते ये देखो सो गई है, और अब बोलते ही उठ गई है। उठ जाओ, काम करना है, क्योंकि चीनू को ये बोल रही थी कि मैं सोऊंगी नहीं, लेकिन लेटे लेटे नींद आ गई होगी, आ ही जाती है ठंड में वैसे भी। तो चलो मेरा सारा काम हो गया है, तो मैं इस ब्लॉग को यहीं पे एंड करने जा रही हूँ। लाइक कमेंट शेयर सब कर देना, चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, ठीक है गाइस। चलो आप लोग भी सो जाओ, काफी लेट हो गए हैं। गुड नाइट, बाय, टेक केयर, लव यू, मिलते हैं कल फिर से एक नए ब्लॉग के साथ। गुड नाइट गाइस, टेक केयर, बाय। वेख्या नी मैं तो वेखदा ही रह गया, अग वे प्यार वाली सेखदा ही रह गया।